मुंदेली दर्पण में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हाल ही में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एक जो जिम्मेदारी मिली थी उसे बखूबी निभाया और उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिले। बुंदेलखंड के कांग्रेस के गज नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, तो उनकी बेटी निधि चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे दीदी, जिस तरीके से चंदला की बात करें, चंदला एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिससे आपकी दादी पिताजी रहे, एक बहुत पारिवारिक नाता रहा है चंदला के लोगों से, आपके पूरे परिवार का। आज आप आए हैं, पुराने लोगों से मुलाकात हुई है, अपने लोगों के बीच बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या किस तरह की फीलिंग आ रही है? वैसे महसूस कर रही हूँ जैसे कि परिवार के साथ बैठ के, परिवार के लोगों के साथ बैठ के महसूस होता है। ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है चंदला, हमेशा से रही है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर, मेरा आधा बचपन यहीं बीता है, क्योंकि पापा चाहे मेरी दादी का काम जब करते थे या जब खुद विधायक थे तो अक्सर यहाँ आया जाया करते थे, और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी बच्चों में तो मुझे ही लेकर ज़्यादातर आते थे। तो मैं यहीं इस इन चंदला क्षेत्र के गांव में ही पली बढ़ी हूँ, तो मेरी बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। कुछ लोग बहुत पुराने लोग हैं जिनको मैं पहले से जानती हूँ, कुछ हैं जिनको जानती थी लेकिन क्योंकि बीच में मिल नहीं पाई, धुंधली हो गई थी यादें, वो सब ताज़ा हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बिल्कुल एक दोबारा से एक परिवार फिर से मिल गया हो। राजनीति, चूंकि चुनावी समय है तो बयानबाजियां भी आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। भाजपा जहाँ कह रही है कि अब की बार 200 पार, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम 150 प्लस आ रहे हैं। भाजपा लाने की बात कर रही है वो 6 की 6 में, कांग्रेस का क्या व्यू रहेगा इस चुनाव में? देखिए, चुनाव हार और जीत चुनाव में बहुत एक किसी कारण से नहीं होती है, काफी कारण होते हैं उसमें। प्रत्याशी के चुनाव प्रक्रिया से लेके, प्रत्याशी के चुनाव से लेके, और जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं या प्रत्याशी का अपना एक बेसिक बायोडेटा जो होता है, चयन होता है प्रत्याशी का, मुद्दे होते हैं, इमेज होती है, कई बार सिर्फ, और बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है लक, क्योंकि जो चुनाव जीतता है, जो चुनाव लड़ता है वो तो अपना पूरा दम लगा देता है, और सामने वाला कैसा है, उस टाइम क्या हवा चल रही है, तो ऐसे बहुत कारण होते हैं जिस वजह से चुनाव हारा या जीता जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी कभी किसी चीज़ की कमी रखती है किसी तरीके से। कई बार हाँ, प्रत्याशी के चुनाव या चयन में थोड़ा 19-20 हो जाता है, पर इस बार हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवर द पीरियड पार्टी और कार्यकर्ता उनको थोड़ा मायूसपन उनमें आया है जब से भाजपा ने केंद्र में या राज्य में सरकार बनाई है, तो लगातार हारने के बाद या कभी कुछ कभी कुछ, तो अब पार्टी खास ख्याल रखेगी कि प्रत्याशी के चयन से लेके कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से फॉलो करनी है, मैनेजमेंट क्या रहेगा, और क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय जो नेता हैं या लीडर्स हैं उनके एक्टिवनेस, इन सब चीज़ों को पार्टी ध्यान में रख के इस बार चुनाव लड़ेगी। आज जैसे दिग्गज राजा यहाँ पर आए, बड़े बड़े और नेता आए, विधायक भी आपके हैं, आपकी भी यहाँ भागीदारी हुई पूरे कार्यक्रम में, जो जोश देखा गया कार्यकर्ताओं में, लंबा अरसा हो गया, कभी आपके पिताजी आया करते थे तो फॉलोवर पहले से इंतजार किया करते थे, अब ये गाहे बगाहे देखने को मिलता है कांग्रेस में, कहीं ये एक जो लंबी खाई रही कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीच की, चंदला विधानसभा हो या अन्य विधान, ये एक डैमेज कंट्रोल अब करने में देर नहीं लगा रही कांग्रेस? नहीं, ये डैमेज कंट्रोल नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उनको आना था क्योंकि ये दो सीट हैं, बिजावर और चंदला, जो हम काफ़ी टाइम से पार्टी के लिए नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत आए हैं। मेरा पूछने का मतलब यही था कि
क्या ये ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए बड़े नेता या कोई ऐसे हाँ, मोटिवेट करते कार्यकर्ताओं को ताकि उनमें जोश आता रहे? ये खाई जो कार्यकर्ताओं बड़े नेताओं के बीच में रही वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं छोड़ी है इस जिले में। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि छोड़ी इसलिए थी बिकॉज यहाँ पर उस लेवल के ऑलरेडी एक लीडर थे जब बड़े लीडर्स के आने की जरूरत नहीं थी जी। तो वो खाई बनी तब जब मेरे पापा ने राजनीति छोड़ी, उसके बाद तब तक जब तक वो रहे हैं हमारा परिवार जब तक राजनीति में रहा है हम लोगों ने हमेशा चुनाव की कभी राजनीति नहीं की है, हमेशा जोड़ने की राजनीति की है, एक साथ सबको लेकर चलने की राजनीति की है और लोगों के लिए काम करने की राजनीति की है। राजनीति का ये मतलब, अब दूसरी बात, राजनीति का मतलब भी बदल गया है, अब सिर्फ चुनावी राजनीति रह गई है। वो टाइम चला गया जो मैंने अपने दादी के टाइम, अपने पापा के टाइम, ये जो पुराने नेता हैं उनके टाइम जो देखा था। थोड़ा सा देखे बदलाव आता भी है पर हाँ एक गैप जरूर आया है जो कोई लीडर यहाँ का भर नहीं पाया इस क्षेत्र में। तो ज़रूरत है कि और बड़े नेता यहाँ पर आए और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरें। कार्यकर्ताओं को उसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काफ़ी कुछ हो गया है कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद, काफ़ी जोश आया है कार्यकर्ताओं में और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम 6 की 6 सीट ले सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती निधि चतुर्वेदी, कर्नाटक चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को निभाती बखूबी निधि चतुर्वेदी, छतरपुर की 2023 के चुनाव में निधि चतुर्वेदी अपने आप को कहाँ रखती हैं, क्या जिम्मेदारी अभी मिली है या किस तरीके से इस को आगे ले जाएंगे जो पिता ने एक विरासत दी है? देखिए जिम्मेदारी ना दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी समझी जाती है और ली जाती है। मुझे कोई जिम्मेदारी पार्टी से ये किसी ने नहीं कहा कि आप जाके, आपको हमने ये पद दिया है और आप जाके ये करिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, चुनाव आया है, मैं थोड़ा राजनीति में लेट सक्रिय हुई हूँ पर ये है कि मैं ये जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं अपने ज़िले में अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाऊं। तो मैं हर विधानसभा में एक्टिव हूँ, हर किसी से बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुन रही हूँ। बेसिकली कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए है, कोई सुनने वाला भर हो। कई बार होता है कि दिक्कत बात करते करते उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप उनको सॉल्यूशन भी मिल जाता है, बस आप सुनने वाला होना चाहिए कोई। तो मैं एक ब्रिज का काम कर रही हूँ यहाँ पे सबके लिए और पार्टी के लिए सक्रिय हूँ। पार्टी की वजह से हमारा परिवार जो है आज हमेशा से कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे और पार्टी के लिए ही काम करेंगे। तो हम तो बस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह एक यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी जो भी पार्टी का निर्णय होगा या उनका जो भी आदेश होगा वो हम उसका पालन करेंगे। क्या एक प्रत्याशी के तौर पे कहीं दावेदारी करने का अभी तक कोई मन में? नहीं, मैंने कोई दावेदारी पेश नहीं की है प्रत्याशी के तौर पे कहीं से भी, पर अगर पार्टी मुझे बोलेगी चुनाव लड़ने के लिए तो उससे परहेज भी नहीं है तो लड़ेंगे। जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से हो, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, अरुण यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के लिए कहा, बीते रोज बीडी शर्मा जी पूर्व सीएम कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के लिए, इस तरह की बयानबाजियाँ कहीं ना कहीं ये राजनीतिक माहौल में मुख्य मुद्दों से, चुनावी मुद्दों से भटका नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इस तरह की बयानबाजियाँ जो अभी तक नहीं हुआ करती थी फिलहाल? देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा है कि राजनीति का स्तर थोड़ा सा घट गया है। आप 2014 के पहले की राजनीति और 2014 के बाद की राजनीति में अंतर साफ नजर आता है। ये स्तर कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस मुद्दे उठाती है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाती है। भाजपा और भाजपा के जो नेता हैं उनका काम है, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पे उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं,
सिवाय भ्रष्टाचार के, अपने अपनी अपनी जेबें भरने के, उनके पास दिखाने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड अगर बनाया जाए तो कुछ भी नहीं है। तो अभी वो क्या करेगा, जिसने काम ही नहीं किया तो दौंदा दौंदेगा, तो बेदौंद रहे, दिल्ली में दौंद रहे। आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की बात आपने की, भ्रष्टाचार कॉरिडोर से लगा के, महाकाल कॉरिडोर से लगा के, यहाँ अभी जो पूर्व सीएम जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, खनिज को लेकर भ्रष्टाचार हो, इन मुद्दों को आखिर कांग्रेस जमीनी स्तर पर, वो चीज़ मैंने उनसे ही पूछी थी, आपसे भी पूछ रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्यों नहीं पहुंचा पाती, उन मुद्दों को जमीनी स्तर पर क्यों नहीं ला पाती कि करप्शन जो मामले हैं इस तरीके कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है। हम तो मुद्दे उठाते हैं, सुनने वाला कौन है, सरकार में बैठा कौन है, भाजपा। अब जब हम तो एक विपक्ष के तौर पे पूरी तरीके से हर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मुद्दा उठाने का रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि राहुल गांधी जी को निष्कासित कर दिया। भाई विपक्ष का काम क्या है, सवाल पूछना ना। अब अगर आप, हम सवाल नहीं पूछेंगे, आप तो हमारी सवाल पूछने का भी जो हक है उसको कुचल रहे हो, तो आप तो डिक्टेटरशिप पे तैयार हो कि तुम सवाल नहीं पूछ सकते, तुम ये मुद्दे नहीं उठा सकते, तुम कुछ बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर ईडी या सीआईडी या आईटी की रेड लगवा देंगे या सीबीआई की लगवा देंगे। तो आप लोगों से बेहतर ये कौन जानता है कि क्या चल रहा है। मुद्दे उठाए जा रहे हैं लेकिन उनको सॉल्व करने वाला कौन है, या तो सरकार करे सुने, जो कि अंधी और बहरी हो चुकी है, और या फिर प्रशासनिक अधिकारी या और बड़े स्तर के लोग करें। राजनीति की बात चल रही है, भाजपा हो या कांग्रेस, गुटबाजी, अंतर कलह, अंतर द्वंद, छतरपुर की बात कर लें, दोनों पार्टियों में, आप कांग्रेस में भी है, खुलकर दिखा, चाहे वो जिलाध्यक्ष की पीड़ा हो, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ पिटाई हुई, उनकी पीड़ा सीधे मीडिया पे निकल कर बाहर आई। भाजपा की बात ना करते हुए कांग्रेस की बात अगर करें, दिग्विजय सिंह का दौरा था, आप भी अब सक्रिय हैं, किस तरह से इस खाई को पाटेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मतभेद तो हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम लोग इसी यही प्रयासरत हैं कि जितने मतभेद हों उनको भुलाया जाए, कम किया जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए और एक साथ मिलजुल के चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास इसी तरीके से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो ये अपने मतभेद भुलाने पड़ेंगे। और रही बात कि यहाँ क्या चल रहा है, अब वो देखते हैं, टाइम विल टेल। चलिए, टाइम विल टेल। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राजनीति में वो सक्रिय हैं, हालांकि उन्होंने कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन पार्टी जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर उस पर विचार करेंगी। और रही बात पार्टी की या चुनावी हालात की, राजनीतिक पार्टियों के हालात की, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके की राजनीति बदली है वो सबके सामने है। राजेंद्र सिंह, बुंदेली दर्पण, छतरपुर।